तो भविष्य में आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास होगा, जिस तरह से आपका स्टूडेंट जो काम करना है, जो इसको जो पसंद है वो कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी में आपका अगर कहीं ड्रॉबैक होता है तो उसी में कुछ ना कुछ आपका उसमें पॉजिटिव देखना है कि बहुत सारे स्टूडेंट को आपका ऑनलाइन क्लास के जरिए भी आप काम कर सकते हैं अगर सही से प्लेटफॉर्म मिला जाए। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप पटना में आके ही पढ़ सकते हैं, अगर जिसको जिज्ञासा है पढ़ने का तो वो ऑनलाइन क्लास भी पढ़ सकते हैं और पढ़ ही रहा है बहुत सारे स्टूडेंट। अब विकल्प क्या है, पूरे इंडिया में कोई विकल्प तो अभी है नहीं ऑफलाइन का कहीं कोई गुजर, सबको तो ऑनलाइन ही है। अगर पढ़ना होगा तो ऑनलाइन क्लास करना ही है, नहीं ना जी? सर बोल नहीं रहा है और तो कोई विकल्प है नहीं? यस सर, कोई विकल्प नहीं? यस सर, केवल केवल ऑनलाइन का ही है और इसी में काम करेंगे। स्टूडेंट का टेंथ वाले कोई स्टूडेंट फोन नहीं कर रहा है कि सर, कुछ कुछ स्टूडेंट हैं फाउंडेशन बैच में, हमारे पास एक बैच तो बनाया है, ये बैच है उसमें अपने ही रिलेटिव और कुछ क्लोज स्टूडेंट को लेके लगभग 30 स्टूडेंट का जो है ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, जिसमें प्राइवेसी के साथ वो काम कर रहे हैं। एक और बैच स्टार्ट करेंगे, उसमें आप सबों का योगदान चाहिए, जिसमें कुछ क्लास फ्री देंगे। क्योंकि पिछला जो आपका स्टार्ट किया उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का छूट गया, तो उसी के लिए वीडियो कुछ तैयार कर रहे हैं और ऐप के माध्यम से जो भी छुटा हुआ पार्ट है वो सबके सब रिकवरी होगा। सारे ऐप में देखना है कि ऐप में सेक्टर वाइज है, फिजिकल का अलग होगा, ऑर्गेनिक अलग, इनऑर्गेनिक, तीन सेक्शन में बांटे हैं, ठीक है। 11th अलग, 12th अलग है, टॉपिक वाइज आपका रहेगा। हर एक टॉपिक का जो स्टूडेंट अगर मतलब फलाना टॉपिक आपको तो उसका अलग कॉस्ट रहेगा कि एक ही टॉपिक पढ़ना है तो ये टॉपिक को पढ़ना है तो इसका क्या फी, तो उसका फी स्ट्रक्चर उसके बगल में लिखा रहेगा। और अपने स्टूडेंट के लिए तो ऑफर ही है, ठीक है, अदर स्टूडेंट के लिए वो रहेगा। और अपना स्टूडेंट तो कोई भी आपको जब मिलेगा पासवर्ड मिल जाएगा तो उसमें आप देख सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, 100 रुपीज डाल के रजिस्ट्रेशन अपने स्टूडेंट को कराना है और सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो। नीट का भी स्पेशल क्रैश कोर्स का बैच स्टार्ट किए हैं, उसमें आपका रिकॉर्डिंग चल रहा है। जेई मेन का क्रैश कोर्स का रिकॉर्डिंग काम कर रहे हैं उसका, तो तरह तरह अलग रहेगा। मेन इसमें सबसे बड़ी खासियत है टेस्ट का पैटर्न आपका रहेगा जबरदस्त, जिसमें कि आपका जैसे आज की क्लास में जो लेक्चर पर है इसमें कुछ कुछ क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है, वो टेस्ट में डालेंगे कि ये काम करो, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा जो कि टेस्ट में आपका रहेगा। तो आज के टॉपिक है, आज के क्लास के अकॉर्डिंग जो भी सवाल है ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो वो सारे का सारा टेस्ट आपको रहेगा। तो टेस्ट का ये है विकल्प है। ऐसे तो आप जूम ऐप पे भी हम काम कर रहे हैं लेकिन टेस्ट का हम नहीं काम कर पाते, जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक आप बेहतर विकल्प नहीं होगा। तो टेस्ट के लिए आपका वो है क्विज टेस्ट है, आपका असाइनमेंट का है, असाइनमेंट आप सबों को वर्कशीट किया जाएगा, असाइनमेंट आपको दिया जाएगा उसमें, ठीक है। अगला लेक्चर क्या पढ़ाने वाले उसका शेड्यूल आपको मिलेगा, कैसे काम करना है उस पर काम किया जाएगा। तो उस ऐप में अगर पैसा खर्च हो रहा है ऐप के तो उसमें कहीं ना कहीं बेनिफिशियल है, बहुत सारी चीज दिया गया, ठीक है। चलिए तो ये इसको मिटाते हैं। यहाँ पे अगर कहा जाए एक्स ए भी क्या है, एक्स ए भी कहेंगे मोल फ्रैक्शन, ऑफ ए इन वेपर फेज,
मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज है, जिसको एक्स ए भी कहते हैं, एक्स बी भी क्या कहेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इन वेपर फेज एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है। उसी तरह से एक्स बी है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन आइडियल सॉल्यूशन। पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए, इसको पी नॉट ए कहते हैं। उसी तरह पी नॉट बी के बारे में बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी हो जाएगा। चलिए ओवरऑल ये आपका रॉल्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन यहां पे समाप्त हुआ। चलिए इसी पे कुछ सवाल देखते हैं। चलो जरा देखते हैं जेई मेन का। बेंजीन एंड टॉलिन फॉर नियरली 아이디얼 솔루션 टेम्परेचर दिया गया है आपका 20 डिग्री सी, ये कांस्टेंट टेम्परेचर है सबके लिए। वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज इतना, बेंजीन का वेपर प्रेशर पी नोट ए दिया है 75 टॉर, पी नोट बी दिया है 22 टॉर। मास दिया गया है, बेंजीन का मास दिया है 78 ग्राम और इसका मास दिया गया है 46 ग्राम। आपको क्वेश्चन में कह रहा है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन निकालना, बेंजीन का वेपर प्रेशर यानी पीए निकालना, यही
मोटा मोटी क्वेश्चन में यही दिया गया। अब कैसे सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को? जब देखो अगर मास दिया गया इसका, इसका मास दिया गया, सबसे पहला फॉर्मूला वेट निकालते हैं। फॉर्मूला वेट है बच्चा के 72 और 78 हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 78, इसका फॉर्मूला वेट निकालेंगे 84 और आपका 84 तो 92, दोनों का मोल निकाल लेते हैं। गिवन मास 78 बटे क्या हो जाएगा 78, इसका मतलब Na का मान हो गया 1। यहां मोल निकालेंगे, गिवन मास 46 बटे क्या हो जाएगा 92, Nb का मान आ गया 0.5। अब फॉर्मूला जानते हैं, Pa का फॉर्मूला आप जानते हैं, Pa बराबर होता है P नॉट A इंटू अपना मोल Na बटे Na प्लस क्या हो जाएगा Nb, इन फॉर्मूला होता है। अब मान पुट कर दो, P नॉट A का मान तो दिया हुआ है 75, अपना मोल 1 प्लस क्या हो जाएगा 0.5, यहां से गुना भाग करना, यही आंसर आएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो उसको। हो गया? यस सर, हो गया। यस सर। क्या रे सर, झा देखो लाला हंस रहा। अपना ऑडियो को म्यूट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग सिर्फ सबसे ज्यादा दूसरे के में क्वेश्चन पूछा गया, टू लिक्विड एक्स एंड वाई फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 300 केल्विन। दो लिक्विड यह है, लिक्विड एक्स है प्लस लिक्विड वाई, आइडियल सॉल्यूशन। टेम्परेचर दिया गया है 300 केल्विन, टेम्परेचर हमारा कितना दिया 300 केल्विन। चलिए अगर कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, लिक्विड ए का मोल दिया है Na 1 मोल, लिक्विड बी का मोल दिया Nb, Nb आपका 3 मोल दिया, और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है 550 mm। फिर कह रहा एट सेम टेम्परेचर इफ 1 मोल ऑफ वाई इज फर्दर एडेड टू दिस सॉल्यूशन
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय टेन एम एम एच जी. फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई इन प्योर स्टेट. यही सवाल था. चलो जैसे कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन के बारे में देखते हैं. इस टाइप का क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी में भी मिलेगा, इसे इसको ध्यान से देखना. चलिए सॉल्यूशन में आते हैं. लिक्विड एक्स प्लस लिक्विड वाई यहां सॉल्यूशन बना. इसका एन ए दिया है 1, इसका एन बी दिया है 3, यहां पी टोटल दिया है 550 इन दिया है. चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालेंगे. अपना मोल 1 बटे टोटल मोल क्या हो जाएगा 4. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालेंगे, अपना मोल 3 बटे क्या हो जाएगा 4. पी टोटल का फॉर्मूला आप जानते हैं, पी टोटल बराबर होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. पी टोटल का मान दिया है 550. पी नॉट ए ये तो निकालना है, पी नॉट ए. मोल फ्रैक्शन ऑफ ए दिया 1/4. पी नॉट बी भी निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 3/ क्या हो गया 4. 4 कॉमन लेके मल्टीप्लाई कर दो. इसका मतलब यहां से आएगा पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी इक्वल टू 5×20 2/22 यानी 22. यही होगा. चलिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान. अब फिर से आपको करा है अगेन क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि एक मोल वाई फर्दर एडिट किया गया, इसका मतलब लिक्विड. चलिए एक्स है प्लस वाई है, यहां से सॉल्यूशन बना. इसका मोल तो वही रहेगा एन ए 1, इसमें एक मोल ऐड किया जाए तो एन बी का मान हो जाएगा 3 प्लस क्या हो जाएगा 1, जिसके कारण वेपर प्रेशर इंक्रीज किया कितना से, तो इंक्रीज कर रहा है 10 एम एम यानी 550 प्लस 10 ये तो 560 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. अब यहां से हम मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकालते हैं. अपना मोल 1 बटे क्या हो जाएगा 5, 4 प्लस 1 5. मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अपना मोल 4 बटे क्या होगा 5. अब यहां से पी टोटल का फॉर्मूला तो आप जानते हैं, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी. पी टोटल का मान दिया है 560. पी नॉट ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/5, पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है 4/5 यही ना है. अब चलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां से लिख सकते हैं पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी इज इक्वल टू
पांच से मल्टीप्लाई करोगे जीरो, छप्पन से तीस और पच्चीस पच्चीस तीन अट्ठाईस, इसको इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट और ये सेकंड, दो अननोन डाटा है, दो इक्वेशन है, बड़ी आसानी से आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया सर, एक बार फिर से हम समझाते हैं। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस सर हो गया है। हो गया ना? यस सर। चलिए फिर से इसको समझते हैं क्या काम किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो लिक्विड एक्स है, लिक्विड वाई है, यहाँ से आइडियल सॉल्यूशन बनता है। टेम्परेचर दिया गया 300 केल्विन। सॉल्यूशन चैप्टर में अगर टेम्परेचर दिया है तो वो टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है, उसका कोई खेल नहीं होता। लेकिन कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर मेजरमेंट करते हैं, इसलिए टेम्परेचर का जिक्र किया गया 300 केल्विन और इसका यूज नहीं है। चलिए यहाँ पर मोल दिया है लिक्विड ए का 1, लिक्विड बी का एक्स का मोल दिया 1 और वाई का मोल दिया 3 और टोटल वेपर प्रेशर 550 mm दिया है। एट सेम टेम्परेचर इफ 1 mole ऑफ वाई इज फर्दर एडेड इसी सॉल्यूशन में टू दिस सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन में अगर 1 mole वाई को एडिंग किया गया तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस बाय 10 mmHg। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया 10 mm से। तो कह रहा फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ एक्स एंड वाई इन प्योर स्टेट। प्योर स्टेट में एक्स और वाई का वेपर प्रेशर निकालना। तो लिक्विड एक्स है, लिक्विड वाई है, यहाँ सॉल्यूशन बना, इसका मोल मान लिया 1, इसका मोल 3 दिया है, यहाँ टोटल दिया है 550 दिया। चलिए मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अपना मोल 1 है, टोटल मोल दोनों को जोड़ेंगे बाय 4। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, अपना मोल 3 है, टोटल मोल दोनों को जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4। अब यहां से पी टोटल का फॉर्मूला होता है पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। पी टोटल का मान 550 दिया है, पी नॉट ए तो निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का मान 1/4 दिया है, 1/4 प्लस पी नॉट बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी का मान क्या दिया 3/4 दिया। अब चलिए ये 4 को इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों 4 कॉमन लेके इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पी नॉट ए और यहाँ 3 P0B बराबर 2200। चलिए यहाँ पर फिर कर अगेन एक्स और वाई है, सॉल्यूशन है, अब इसमें वाई में 1 mole और ऐड किया जाए, पहले 3 था, 1 mole ऐड किया 4, जिसके कारण वेपर प्रेशर इंक्रीज किया 10 से, तो 550 था, 10 जोड़ देंगे 560 हो गया। फिर से वही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाले, पी टोटल का फॉर्मूला दिए पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, मान पुट किए पी टोटल का 560, पी नॉट ए निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए 1/5, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी 4/5, यहाँ से 5 कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ सेकेंड इक्वेशन है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को अगर कंपेयर करेंगे तो बड़ी आसानी से पी नॉट ए भी निकाल सकते हैं और पी नॉट बी भी निकाल सकते हैं। चलिए फ्रॉम इक्वेशन तो यहां देखो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में फर्स्ट को घटाएंगे, सेकेंड ये पी नॉट ए प्लस 4 पी नॉट बी बराबर 2800। चलिए यहां पे इक्वेशन सेकेंड में आपका पी नॉट ए प्लस 3 P0B ये हो जाएगा आपका 2200
घटा दो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा। अब ये इसमें घटाएंगे तो इसका मतलब ये तो पी नोट बी, इसमें घटाओ तो ये क्या हो जाएगा 600 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। मान पुट कर दो पी नोट ए प्लस 3 P0B बराबर 2200। अब पी नोट ए निकालना है बराबर 2200 माइनस ये आएगा 3 × 600 ये तो 400 है ना। चलिए जल्दी से इसको काम करें। सर हो गया? हो गया यस सर हो गया। हो गया तो एनसीईआरटी का कुछ सवाल लिखिए जो कि काम करना है। साइड पेज पर एक्सरसाइज पेज नंबर 69 के आसपास का होगा। सर 59 या 69? पेज नंबर 69। क्वेश्चन नंबर जो है आपका ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना, यदि HW आज का होमवर्क कहिए आपको ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो तो आज का लेक्चर ये रहा, तो आज शाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे जिसमें हेलो एल्केन का शाम में 8 बजे से। सारे स्टूडेंट को समय है, क्लास है सर? यस सर, क्लास है। सर जूम ऐप पे कीजिएगा। यस सर, क्लास है सर शाम में 8 बजे। शाम में क्लास है? यस सर, 8 बजे क्लास है। कितने बजे सर? 6 बजे से स्टार्ट कर दीजिए सर। 6 बजे से? यस सर। 6 बजे से क्लास भी है? नहीं सर। नहीं सर। चलिए तो 6 बजे से जूम ऐप पे आज शाम में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास होगा। आईडी आप सबको भेज दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना है। और कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर क्लास टाइम पर थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, क्लास हम लोग छोड़ दिए इसका बायो का। बायो का? अच्छा, सारा कंटिन्यू बहुत सारे स्टूडेंट का क्लास आता है 9 बजे से, सारे 11 बजे से लीजिए, 11 बजे वाले स्टूडेंट कर रहे हैं सर 9 बजे से लीजिए। इसी सब को दूर करने के लिए
आपको वही आपका ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो सारे आपका, क्योंकि थ्योरी का उसमें रिकॉर्डिंग रहेगा और प्रॉब्लम जो होगा, क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो लाइव सॉल्व करेंगे। थ्योरी आपका पहले से रिकॉर्डिंग किया हुआ है, ठीक है? तो थ्योरी अपना पढ़ लीजिएगा और उसके बाद लाइव आ जाना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उसका टाइम फिक्स कर दिया है, उस टाइम में स्टार्ट ऐसे आज शाम में 6 बजे स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनिक आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, हेलो एरिन का केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे थे और पोली हेलाइड का आज काम करेंगे, तो आज शाम में स्टार्ट। सर 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 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ऑर्गेनिक क्या एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करवाया क्या? हाँ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन करेंगे कल, कल सर करवाएंगे 6 बजे से। सर ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का? हाँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कल करेंगे, आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आएगा आपका हेलो एल्केन और हेलो एरिन का आगे का चैप्टर, और कल आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री शाम में काम करेंगे एनसीईआरटी का। ठीक है सर, क्लास 9 बजे से ही जो होता था वही ठीक था। ठीक है तो कल 9 बजे से ही क्लास रखेंगे। और कोई डाउट सर? वो जो बोले थे सब स्टूडेंट को पूछे हैं तो सब अपना अपना मैसेज कर देगा टाइम, तो उस हिसाब से क्लास करेंगे। उस तरह का कहां आया कहां, बहुत सारे जो कॉन्शियस स्टूडेंट है, बताओ ना हम 1000 स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं। आप अपना नंबर सर बोर्ड पर लिख दीजिए। मैं स्टूडेंट कॉन्शियस है, ऐसा तो तुमसे छुपा हुआ है सर की बातें। आप यस सर तुम ऐप पे काम कर रहे हैं तो आपको पता चल रहा होगा कितना स्टूडेंट कॉन्शियस है। यस यस सर ऐसा दो, इससे ऐसा तो फाउंडेशन बैच हमारा काफी कॉन्शियस है, जो फाउंडेशन बैच स्टार्ट किया उसमें रेगुलर स्टूडेंट काम कर रहा। तो विकल्प यही है कि लास्ट मोमेंट में यही हम कर रहे हैं कि और कोई विकल्प है नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोए हुए हैं कि नहीं ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तब काम करेंगे, और कब ये कोरोना जाएगा इतना बड़ा मुश्किल है जी। काम स्थिति बहुत दयनीय है, सर को भी 3-4 दिन पहले जो है सर्दी खांसी बुखार आने लगा था डर के मारे। सर नहीं भी इस क्लास रहने दीजिए, सर 9 बजे इस क्लास रहने दीजिए। सर 9 बजे मॉर्निंग में क्लास ठीक रहेगा। सर 9 बजे क्लास रहने दीजिए। हाँ कल 9 बजे से, आज सर 9 बजे से आपको मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे भेज दिया। 9 बजे मेरा क्लास रहता है, पासवर्ड आईडी मिल जाएगा आपका। तो रहने दो आज क्लास, आज शाम में 6 बजे मुलाकात करते हैं। यस सर, थैंक यू सर।